जय श्री राम। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ हमारी ट्रिप स्वामीनारायण मंदिर के लिए। स्वामीनारायण मंदिर में जाने के लिए हमने खोली अपना नावी ऐप। नावी ऐप जो है गूगल मैप का ऑल्टरनेटिव है और ये इंडिया में ही बना हुआ है। तो इसमें हमने सर्च किया स्वामीनारायण मंदिर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है पुणे में, और यहाँ पे जाना बनता है सोच के हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जाते जाते हम लोग, क्योंकि मानसून ख़त्म होने वाला है, तो कात्रज घाट भी देखते हुए आए। क्योंकि पुणे में अगर आप रहते हैं और मानसून में घाटों में नहीं घूमें तो आपको पुणे के सही मज़े नहीं ले पाएंगे आप। तो हमने डिसाइड किया हम घाट से होते होते हम जाएंगे दो टनल को क्रॉस करते हुए हमारे डेस्टिनेशन जो कि है स्वामीनारायण मंदिर की तरफ। तो ये सोच के हम लोग निकल लिए घाट्स के लिए। तो हमारे साथ देखो पीछे बैठा हुआ हमारा वैम्पायर, ये साक्षी को हम वैम्पायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीछे बैठ के भी हेलमेट पहनी रहती है। इनको एक्चुअली एक कंडीशन है कि ये धूप में निकल नहीं सकती है, हालांकि बारिश का मौसम है फिर भी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग जैसा आप देख सकते हैं हरे भरे घाटों से निकलते हुए, एक क्योंकि थोड़ी सी अंधेरा भी हो गया तो लोगों ने अपने हेडलाइट भी ऑन कर लिए हैं। तो इस नज़ारे को लेते हुए, इस ऑक्सीजन भरी एयर को लेते हुए, जहाँ पे लेस ट्रैफिक हो पुणे को, ट्रैफिक अवॉइड किया हमने और आपको दिखा रहे हैं ये स्पेक्टेकुलर व्यूज़। जब आप यहाँ पे जाते हैं आपको ये ट्रायंगल पर्वत भी दिखता है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ की हरी भरी वादियों से निकलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी साइट नंबर वन, जो साइट नंबर वन है यहाँ पे पहुँच के जो ऑडियो होगा वो आपको मैं नेचुरल ऑडियो दिखाऊंगा। पीछे देखिए युवराज और साक्षी भी आ रहे हैं। आगे हो रहा है इसलिए तो बोल रहा हूँ अंधेरा हो जाए उससे पहले पहुंचे। आप देखिए इस व्यू को, तब तक हम लोग हो जाते हैं तैयार अपनी अगली डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते गए और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए हमें और खूबसूरत नज़ारे दिखते गए। पहाड़ों में बादलों की वजह से फॉग जैसा अनुभव हो रहा था और हरे भरे पहाड़ों के बीच हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पहाड़ों के ऊपर हमें छोटे छोटे झरने भी दिखाई दिए। साक्षी इन झरनों को देख के बहुत हो जाती है खुश और वो बनाती है कुछ सेल्फीज और वीडियोस। और झरना देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम निकल लेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो जैसे हम आगे जा रहे थे बारिश काफ़ी ज़ोरों से शुरू हो गई और इस बारिश से बचने के लिए हम लोग ने शेल्टर लिया इस चाय की दुकान पे। ये चाय की दुकान ने हमें शेल्टर दिया और ये टनल आप देख रहे हैं इससे पहले हमारी दुकान थी। बारिश में चाय के मज़े लेते लेते हम लोग आपको दिखाते हैं ये स्पेक्टेकुलर व्यूज़। वहाँ पे सिटी है, सिटी से आते हुए इन पहाड़ों से निकलते हुए रास्ते हैं। और ये देखिए ये ट्रांजेक्शन हमने आपके लिए स्पेशली बनाया था। आप देखिए बारिश तो रुकी नहीं, तो हम लोग तब से यहाँ पे रुके हुए हैं और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ना बारिश में निकल लिया जाए, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि अगर इस इंतज़ार में हमें कहीं से राहत मिल जाए बारिश से। तो इंतज़ार करते करते हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना कुछ पकौड़े खा लिए जाए। हम लोग ने ऑर्डर किए कुछ पकौड़े। पकौड़े मतलब महाराष्ट्र में इनको भजी बोला जाता है, यह है कांदा भजी, मतलब प्याज के पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े खाने के बाद हमने बोला चलो निकलते हैं भाई। तो हम लोग हो गए तैयार बारिश में ही अपनी अगली डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो भीगते भीगते हम लोग निकलेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये भीगी भीगी राहें क्रॉस करते हुए हम पहुँच चुके हैं हमारे मंदिर की लोकेशन पे। ये सुंदर भव्य मंदिर को देखते ही हमारी सारी थकावट और बारिश में भीगे हुए हम खुश हो गए। ऐसा लगा ही नहीं हम लोग तब से यहाँ पे भीगे हुए थे और इस परिसर में पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ जितना ये वीडियो में खूबसूरत नहीं लग रहा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा भव्य और खूबसूरत है ये मंदिर। आप यहाँ पे ज़रूर 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 विज़िट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे साक्षी जो हमारा वैम्पायर है वो मेरी बहन है, शिखा जो कि ग्रीन में है वो मेरी वाइफ है, मेरा नाम विशाल है और मेरे साथ मेरे मित्र जो कि साक्षी के हस्बैंड भी हैं, साक्षी के पति युवराज भी हैं। युवराज को हम यूवी भी प्यार से बोलते हैं जो कि गुजरात में है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल सोमनाथ, मतलब मेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है और उसका कहीं ना कहीं ये रेप्लिकेट बनाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं ये लोग सक्सेसफुल भी हैं, छोटे छोटे वर्जन पे सही, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैं दोबारा जरूर आना चाहूंगी ऐसी प्लेस में।
तुम्हें क्या लोकेशन? मुझे ये प्रेम मंदिर की तरह लग रहा है, वृंदावन में जो है, लेकिन वो व्हाइट कलर का पूरा, मैंने देखा नहीं है, फोटोज में ही देखा है, बट उसी की तरह लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर, आइए। हमने डिसाइड किया कि बाहर के परिसर हम आने के बाद देखेंगे, सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन कर लें जिसके लिए हम आए हुए हैं। जैसे मंदिर में बढ़ते गए, हम आजू बाजू की परिसर की खूबसूरती को निहारते हुए अंदर जा रहे थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे खूबसूरत मंदिर आपने शायद ही पुणे में कहीं और देखा होगा। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर की दोनों बाजू में जिस तरह की मूर्ति बनी हुई है इनके स्तंभों पे, ये देखने ही लायक हैं। आपको कैमरा के अंदर मैं सब दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। जैसे ही हम कुछ दूर अंदर गए तो हमें मंदिर परिसर के लोगों ने बताया कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, और कुछ देर में हमने जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे वहाँ पे हमने कैमरा ऑफ ही कर लिया। हमने थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने इसमें डाल दी है। मंदिर परिसर वालों से मैं क्षमा मांगूंगा, अगर उनको ये बुरा लगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैं ये निकाल भी दूंगा ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तब तक आप लोग देखिए इस मंदिर की खूबसूरती जो थोड़ी सी हमने रिकॉर्ड कर ली थी उनके मना करने से पहले। मेरी बहन साक्षी बहुत खुश हुई है देख के, और उस वो देख के बोल रही थी कि उसके पास शब्द ही नहीं रहे थे इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि माइक था साक्षी और शिखा के पास। यहाँ पे जो चमकदार एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे भगवान की मूर्तियां हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट ज्यादा है तो वो अच्छे से कैप्चर हुआ नहीं है। एज यूजुअल साक्षी की कॉमेडी चलती रही। अच्छा महाराज तुकाराम भिड़े, भगवान के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते गए। शिव भोले के हम भक्त हैं, भोलेनाथ की, मैं भोले का भक्त हूँ और मेरी पत्नी जो है वो भगवान कृष्ण की भक्त है, और हम लोग ने दर्शन करके आगे बाहर मंदिर में आए हो, खूबसूरत एरिया में आए हो आप इतनी खूबसूरत जगह पे। और लेडीज सेल्फी ना लें या पिक्चर ना खिंचाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक वो ले रही थी सेल्फी या पिक्चर्स, मैं ले रहा था इस मंदिर के वाइड व्यू में फोटोज और वीडियोस। आप देख सकते हैं इसके रिफ्लेक्शन कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसी के साथ हम आगे थे बाहर। बाहर मेरी पत्नी इस परिसर को निहारते निहारते उनकी नज़र गई इन मूर्तियों पे। हालांकि ये मूर्ति बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि किसकी मूर्ति है, ना ही उन्हें पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि महाभारत के पात्र भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं थी और हम किसी को पूछ नहीं सकते थे, और हमारे पास कुछ टाइम कंस्ट्रेंट भी था, तो इसलिए हम लोग निकल चुके इस मंदिर के परिसर को देखने के लिए। क्योंकि इस मंदिर की बाहर जो इन्होंने वॉकवेज बनाए हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो कि आप इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में देखते रहेंगे। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। जिस किसी ने भी इसको इस मंदिर को बनाया है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मेरे को तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत पॉजिटिव वाइब मिली है यहाँ, बहुत ही ज्यादा मतलब तृप्ति मिल चुकी है हमें। आगे आके हम से मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, और यहाँ पर आकर हमें बहुत ही शांति का अनुभव हुआ है। और वैसे तो ये बहुत आकस्मिक प्लान था, लेकिन आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कई सारे प्लान बनाएं और आप लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, ताकि ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस को आप भी आके एक्सप्लोर कर सकें अपने फैमिलीज के साथ। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरह से बनाया गया है उसके सराउंडिंग की, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, हाँ जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से एरिया को कवर किया गया है और बाकी की चीजें बनाई गई हैं, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। पुणे में इस लोकेशन पे इतना सुंदर मंदिर देख के मेरे तो मन खुश हो गया, और मैं यहाँ पे बार बार आना चाहूंगा, एक शांति का अनुभव भी हो रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाने वाले, सोमनाथ यात्रा शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना था, और ऐसी जगह से जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब भी आती है, और ऐसा लगता है कि आने वाली यात्रा बहुत शुभ होने वाली है, और इसका इस यात्रा को शुरुआत करने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आपको आने वाले समय में और खूबसूरत और पौराणिक तौर पे प्रमाणित मंदिरों को दर्शन करवाएंगे हम। और मुझे ऐसा लगता है जो पुणे में रहते हैं लोग, जहाँ फिर इसके आसपास सभी को यहाँ यहाँ पे तो एक बार आना चाहिए डेफिनेटली।
स्वामी नारायण मंदिर है ये। इसका लोकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देखिए और एक बार तो जरूर, हाँ एक बार जरूर आइए, एक बार विजिट करिए, आपको डेफिनेटली बहुत खूबसूरत लगेगा ये जगह। आज बारिश में भीगते भीगते हम यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन भीगने के बाद जो संतुष्टि और जो शांति हमें प्राप्त हुई है वो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसी के साथ आपको कहते हैं हम अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि जैसे हम बाहर जा रहे थे तो यहाँ पे जो कैंटीन और कैफेटेरिया एरिया है, हमने सोचा था वहाँ पे ही हम खाना खाएंगे, वो बंद हो चुका था, इसलिए हम लोग पहुँच गए साईं पैलेस प्योर वेज रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। अच्छा है कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है और मुझे लगता है कि प्योर वेज ऐसे भी ना क्या है कि हम लोग प्योर वेज वाले, और हमें हर जगह पे प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढने में हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट, और हम लोग ऐसे कि साथ में कम प्रॉपर साथ हुए हैं, हम लोग प्योर वेज इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग जहाँ पे नॉन वेज रखते हैं वहाँ पे नहीं खा सकते, तो प्योर वेज रेस्टोरेंट का रिव्यू करना एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि लोगों को हेल्प मिले, उनको पता चले कौन से रेस्टोरेंट कैसे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमने तीन चार आइटम ऑर्डर करी थी, जिसमें मसाला पापड़ पहली आइटम थी। हाँ, और मुझे लगा कि मसाला पापड़ सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है बाकी सब में, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी मेरी रेटिंग के हिसाब से मुझे सबसे खराब लगी इसका चाइनीज का, मुझे टेस्ट आया नहीं, चाइनीज वो बाहर वाला ही सही है। हाँ, चाइनीज हमेशा आप रोड साइड जाके लेके आओ, ऐसे रेस्टोरेंट्स के अंदर मुझे लगता है कि आपको मेन कोर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मेन कोर्स में जो है ना पनीर चिंगारी ऑर्डर किया हुआ था, ये अच्छा था, ये अच्छा था, क्रीमी था, चिंगारी सॉरी चिंगारी क्या नाम रखता है, एक अंगारी भी होता है और एक चिंगारी, एक अंगारी दोनों खा लिया वैसे। इस रेस्टोरेंट में चिंगारी अच्छी अच्छा था, पनीर चिंगारी ज़्यादा रोटी ली तो चपाती मिली, सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रोटी मैदा वाली साइड में नहीं गई, प्रॉपरली चपाती भी बीट वाली चपाती, वो अच्छी चीज़ थी, वो अवेलेबल थी और वो खाने का अच्छा भी लगा। ट्राई करते हैं मक्खन बिरयानी, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ की, मुझे काफ़ी सही लगी है विद इसके रस्ते के साथ, जब आप ये खाते हो तो इसका टेक्स्चर और अच्छा लग रहा है, और इस वजह से कैश्यू और चीज़ें डाली हुई है तो इसका फ्लेवर बढ़िया आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइनीज़ यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल फीका है, बहुत ही फीका है खाना, ओवरऑल फीका है। या तो इन्होंने बाकी चीज़ें रखी हुई है, अगर अपने स्वाद अनुसार आप उसमें टेस्ट ऐड कर सकते हो, बट वो चीज़ टेस्ट जो पीछे से बन के आता है उसकी बात अलग ही होती है। खाने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू देते हैं, ऐसी बात नहीं कि खराब था, करेक्ट, नॉर्मल बंदा अगर खाएगा तो उसको अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आई विल से कि मेरे हिसाब से बल्क मेकिंग प्रोसेस वाला चक्कर है, वन बाय वन ऑर्डर नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पाँच मिनट में अगर चार ऑर्डर आ रहे हैं तो बल्क नहीं बन रहा है, बल्क में बन चुका है क्योंकि इनको पैलेस भी आई है सुपर, तो उसलिए एक साथ सारा फूड बन जाता है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ थी जो यहाँ पर बैठ रहे थे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने पानी से लेके सब कुछ सर्व कर रहे थे, सो दैट वाज गुड वन पार्ट। सेकंड तो आप लोग 10/10 दूंगा, सर्विस के लिए अच्छे फुल बात, रिजनेबल भी है, इतना 230-240 की रेंज में सारे आइटम्स है कि जो भी है रिजनेबिलिटी के अंदर ही आ गया, आज के टाइम में इतना रेट तो है ही, तो रिजनेबल भी है, और देन अगर फूड क्वालिटी वाइज क्वालिटी भी अच्छी थी, बस जो है वो है टेस्ट और स्पाइसीनेस के वाइज मसालों पे इनके मैं 3 मार्क्स गाड़ दूंगा, तो 7 के आसपास है, मतलब 10 में से मैं इसको 6.5 दूंगा, जस्ट बिकॉज की सर्विस अच्छी थी, सिटिंग एरिया इज वेरी कंफर्टेबल, म्यूजिक इज लविंग प्लेइंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6.5 फ्रॉम माय साइड। पापड़ तो मुझे नहीं अच्छा लगा, सच कहूँ तो घर पे इससे अच्छा हो जाता है, बनता है। शेजवान राइस तो ओके ओके है, मतलब 7/10, और बिरयानी तो 6/10 मेरे हिसाब से, पनीर तो 7। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आते हो, बस मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मंचूरियन तो कोई मंगवाना मत, बिकॉज उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आप लिटरली टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज बाकी सब कुछ मॉडरेट था। ओके, मैं इस प्लेस को 3 मार्क्स देना चाहूँगी आउट ऑफ 5, नॉट आउट ऑफ 10,
फाइनली हमने सारा खाना खा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस. होप विल मीट द नेक्स्ट वीडियो. लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट.